नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। समस्तीपुर में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के द्वारा राज्यव्यापी कार्यक्रम शिक्षा सुधार और बटन दबाने को बनाए पहला आधार को लेकर मशाल जुलूस निकाला गया। वहीं जिला अध्यक्ष ने जुलूस के दौरान लोगों से अपील करते हुए कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में बाल बच्चों के भविष्य के लिए जो पार्टी शिक्षा सुधार की बात करे उसी को मतदान करे। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के द्वारा राज्यव्यापी कार्यक्रम शिक्षा सुधार बटन दबाने का बनाए पहला आधार को लेकर मशाल जुलूस निकाला गया। कार्यक्रम रंजितपुर चौक से खानपुर बाजार होते हुए भुइया स्थान चौक तक मशाल जुलूस निकालकर सभा के माध्यम से कार्यक्रम समाप्त हुआ। जिला अध्यक्ष समस्तीपुर अनंत कुशवाहा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए जो पार्टी शिक्षा सुधार की बात करेगी उसी पार्टी को मतदान करे। शिक्षा सुधार के लिए प्रस्तावित 25 सूत्री प्रस्ताव भी आमजनों के बीच वितरित किया गया। रालोसपा ने ठाना है शिक्षा में सुधार लाना है, हमारा संकल्प है जो पार्टी शिक्षा व रोजगार की बात करेगा वही बिहार में राज करेगा। मशाल जुलूस में किसान प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार ब्रज नंदन महतो भी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट HBN न्यूज। मुख्य कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? आज के मुख्य कार्यक्रम का उद्देश्य पार्टी के राज्य व्यापी कार्यक्रम बटन दबाने का पहला आधार शिक्षा में सुधार, जो हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम है जो 7 तारीख से लेकर 13 तारीख तक पटना में उसका समापन होना है। 13 तारीख को गांधी मूर्ति से लेकर बुद्ध स्मारक तक हमारा प्रदर्शन होगा। इसी कड़ी में आज खानपुर प्रखंड में भी हम लोग जागरूकता रैली मशाल जुलूस प्रखंड अध्यक्ष के नेतृत्व में निकाल रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में आप अपने बच्चों के भविष्य के खातिर, आने वाले पीढ़ी के खातिर जो पार्टी शिक्षा सुधार की बात करे, जो पार्टी रोजगार की बात करे उसी पार्टी को वोट देने का काम कीजिए, अन्यथा आप अपना वोट मत दीजिए। जानते हैं कि 15 वर्षों के शासनकाल में नीतीश कुमार जी शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह चौपट कर दिए हैं। आज गरीब के बच्चे को अच्छी तरह शिक्षा नहीं मिल रही है और दर दर की ठोकर खाने के लिए गरीब के बच्चे विवश है। इसलिए हमारा एक जो प्रतिसूत्री मांग है शिक्षा में सुधार के लिए, उसको अविलंब बिहार सरकार मांगे और आम जनता से अपील करते हैं कि आप महागठबंधन को ताकत दीजिए, उपेंद्र कुशवाहा जी के हाथ में ताकत दीजिए कि बिहार के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, वो काम हम कर सकें। बिहार विधानसभा चुनाव में जो है आपकी पार्टी किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रही है? हमारा पार्टी का पहला मुद्दा होगा बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार और रोजगार। ये हमारी पार्टी की पहली प्राथमिकता है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो और लोगों को रोजगार मिले। देखा गया था पिछले कुछ दिनों से जो आपके खानपुर प्रखंड रालोसपा के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं उनके बारे में एक लेटर जो इशू किया गया था, उस पर क्या बताना चाह रहे हैं आप? उस पर कोई बात नहीं है सर, हम लोग का मामला हस्तक हो चुका है। क्या था फिर मैटर? कोई मैटर नहीं है, मामला हस्तक हो चुका है। जी, आज के कार्यक्रम में आप बताएंगे? ये आज के कार्यक्रम राज्यव्यापी कार्यक्रम है, माननीय नेता श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पर ये राज्यव्यापी कार्यक्रम शिक्षा सुधार बटन दबाने का कार्यक्रम जो है ये रखा गया है। साथ ही जो भी पार्टी बिहार में चुनाव में आती है, विधानसभा में आती है, जो शिक्षा की बात करेगी, हम लोग लोगों से अपील कर रहे हैं जो शिक्षा से बात करेगी उसी को वोट देना है, बटन दबाने का काम करना है। जी, क्या तैयारियां चल रही है आपको विधानसभा चुनाव को लेकर के? तैयारियां पूरी हो गई है। हमारे पार्टी के द्वारा प्रत्येक बूथ पर जो है एक बूथ 10 यूथ करके हम लोगों ने बूथ कमेटी बना ली है और जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वो पूरी विधानसभा की बूथ लिस्ट पहुंच चुकी है और हमारा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की जो दावेदारी है वो सबसे मजबूत है और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 42 नगर विधानसभा से चुनाव जीतेगी, यही हम लोगों का जो है मेन एक उद्देश्य है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। मैं बैजनाथ कुशवाहा, प्रदेश संगठन सचिव किसान प्रकोष्ठ